ओके बेटा, लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं आपका। अभी देखो, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर करा था उसमें मोनेरा का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था, एकिनोमाइसिटीज और एकेट्सिया वगैरह, जो मैंने आप लोगों को बोला था करने को, दैट स्पेशली फॉर द नीट एग्जाम। क्लियर? अभी जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है बेटा, जो नेक्स्ट किंगडम हम लोगों ने स्टार्ट करना है, दैट इज बेसिकली द किंगडम प्रोटिस्टा। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ सारे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स भी यहाँ पर डिस्कस करे थे। क्लियर? तो अब उन्हीं का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनसे आगे चलते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं उनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोला जाता है, और दूसरा उनमें जो लोकोमोशन है वो डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने को मिलती है, दैट कैन बी फ्लैजेलर, सिलियरी, स्यूडोपोडियल, और यू कैन से ग्लाइडिंग और रेगुलर। क्लियर? न्यूट्रिशन में भी डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताई थी, और रिप्रोडक्शन में यू हैव द मेन टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और उसमें फिर मैंने दो तरह के लाइफ साइकिल आपको बताए थे, विच इंक्लूड गैमेटिक मियोसिस एंड द जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर? तो अभी जरा आगे चलते हैं। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें जो आप लोगों ने करना है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटिस्टा, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं जरा। क्लासिफिकेशन में देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट सॉरी प्रोटिस्टा है उनको हम ज्यादातर तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे जनरली प्रोटिस्टा को तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला ग्रुप अगर आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। सेकेंड है कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्टा, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। क्लियर? अब अगर नाम दिया जाता है बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, तो नाम से बहुत हद तक क्लियर है कि ये प्रोटिस्टा अपना खाना खुद बनाएंगे, सो दे हैव द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजेलेट्स, देन डायटर्म्स एंड यूग्लिना। देन यू हैव द सेकेंड कैटेगरी कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्टा, तो नाम से अगेन बेटा क्लियर है कि ये डेड वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसी को एज अ फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो दे हैव सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली। क्लियर? तो इनमें जो आते हैं मेंबर उनको कॉमनली बोला जाता है स्लाइम मोल्ड्स। देन उसके बाद थर्ड ग्रुप आपके पास आता है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। अब अगर बोला गया प्रोटोजोअन, तो प्रोटोजोअन बेसिकली वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स, तो ये वो प्रोटिस्टा है जिनमें एनिमल्स लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब दे हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कॉमनली इस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। होलोजोइक का मतलब टू इंजेस्ट द फूड कंप्लीटली, तो इसमें एक आपके पास एग्जाम्पल अमीबा, अनदर इज पैरामीशिया। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द होल प्रोटिस्टा कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर ग्रुप। नंबर वन इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सेकेंड इज कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्टा, एंड द थर्ड वन इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। अब बेटा ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये वन बाय वन आपने डिस्कस करने हैं। एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो वहां पर भी ये तीनों अलग से सेपरेटली डिस्कस किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें। और जो कैरेक्टर एनसीईआरटी में होगा और जो यहाँ भी होगा उसको तो अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत आते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले देखो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की बात करें, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को कॉमनली नाम दिया जाता है एल्गल प्रोटिस्टा। एल्गल प्रोटिस्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट लाइक है, वो फोटोसिंथेटिक है, एंड सम टाइम दे अपियर इन ब्यूटीफुल कलर्स। जैसे डिफरेंट कलर्स में एल्गी आपको मिलती है, सेम आपको मिलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, इसीलिए बेटा कॉमन इनको एक नाम दिया जाता है एल्गल प्रोटिस्टा। देन अगर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑब्वियसली खाना खुद बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक बोला जाएगा। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो कि हमारा पहला ग्रुप है बेटा, उसमें डिफरेंट फाइला है, डिफरेंट फाइला, फाइला मीन्स फाइलम्स, ठीक है? तो तीन तरह के इंपॉर्टेंट फाइला हैं जो आपने डिस्कस करने हैं अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो सबसे पहला जो फाइलम है बेटा उसका नाम है पाइरोफाइटा। पाइरोफाइटा में जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको डाइनोफ्लैजेलेट्स बोला जाता है। क्लियर? सेकेंड आता है क्राइसोफाइटा, जिसमें आते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स, एंड थर्ड आता है युगलिनोफाइटा। ये तो नाम से क्लियर है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट मेंबर कौन सा है, युगलिना।
जो जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं उनके उनके एक-एक एग्जांपल आपने पक्का याद करना है। तो पायरोफाइटा में यू हैव डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइसोफाइटा में यू हैव डायटम्स एंड डेसमेट्स, एंड युग्लिनोफाइटा में यू हैव युग्लिना। तो अभी आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, वो हमारा पहला ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। डेजमेट बेटा ऑर्गेनिज्म है जो क्राइसोफाइटा फाइलम में मिलते हैं आपको, ठीक है। डेजमेट्स एंड डायटम्स, जैसे आप बोलते हो ना किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ ह्यूमन थोड़ी होते हैं, किंगडम एनिमेलिया में फिश आती है, नॉन कॉर्डेट्स आते हैं। वैसे ही यू हैव द फाइलम क्राइसोफाइटा, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, लाइक डायटम्स एंड डेजमेट्स, उनके मेंबर्स के नाम है बेटा। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें एक बारी ग्रुपिंग देख लो जरा। तो पहली तो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें मेन आप लोगों ने तीन तरह के ग्रुप पढ़ने हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, देन सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, एंड यू कैन से प्रीडेटर, जो खाते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, उसमें क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं और युग्लिनोइड्स हैं। युग्लिनोइड्स मतलब युग्लिना। सेकंड हमने पढ़ा था कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्टा, और उनका हमने बोला था सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उसमें जो मेंबर्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्लाइम मोड्स। तीसरा हमने पढ़ा था प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, क्योंकि उनका एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन है, खाते हैं अपने फूड को, या समटाइम एज अ पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, तो उनको प्रीडेटर या पैरासाइट बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो उनको कॉमन नेम दिया जाता है एल्गल प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स हैं तो उनको कॉमन नेम दिया जाता है फंगल प्रोटिस्टा, क्योंकि उनका जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज सेम लाइक द फंजाई। और अगर प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा हैं तो उनको कॉमनली क्या बोला जाता है, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा। सो ओवरऑल बेटा आपने प्रोटिस्टा में तीन मेन ग्रुप्स पढ़ने हैं, फोटोसिंथेटिक, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन। अभी फिलहाल जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हमारा पहला ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जिनको कॉमनली बोला जाता है एल्गल प्रोटिस्टा, और उनका नेचर है ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और इसमें हम टोटल तीन फाइला पढ़ेंगे, एक है आपके पास यहाँ पर क्राइसोफाइट, सेकेंड डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड थर्ड युग्लिनोइड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा डाइनोफ्लैजेलेट्स पे आ जाते हैं जरा। अब डाइनोफ्लैजेलेट्स की यहाँ पर बात करी जाए तो देखो डाइनोफ्लैजेलेट का ना पहले नाम का मतलब समझ लो, अदरवाइज फिर रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। डाइनोफ्लैजेलेट्स में आपके पास वर्ड आता है डाई, डाई या बाई किसके लिए होता है, दो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्लैजिलेट। नाउ फ्लैजिलेट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्लैजेला। तो सिंपल सी बात है बेटा, इतना आपको नाम से क्लियर हो गया कि डाइनोफ्लैजेलेट जो हमारा ग्रुप है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, पहली बात वो मोटाइल है। क्यों मोटाइल है, बिकॉज दे हैव टू फ्लैजेला, इनके मेंबर्स के पास दो फ्लैजेला हैं, इसलिए ग्रुप का प्रोमिनेंट नाम जो रखा गया है दैट इज द डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ बेटा अगर आप डील करोगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म आपको मिलता कहाँ पर है, नेचर में वो कहाँ पाया जाता है, जमीन में, पानी में, हवा में, कहाँ मिलता है, दैट इज द हैबिटेट, क्लियर। तो सबसे पहले कहते हैं अगर हैबिटेट की बात करी जाए तो डाइनोफ्लैजेलेट हमारे पास कैसे है, मोस्टली मैराइन है। एक तो देखो फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड लेक रिवर, जो ये वाटर बॉडीज होती हैं, इनको बोला जाता है। मैरीन में आपका सी या ओशियंस आ जाते हैं। तो आपका जो हैबिटेट है डाइनोफ्लैजेलेट का, उसमें ज्यादातर मेंबर मैरीन है, यानी कि कुछ फ्रेश वाटर होंगे बट ज्यादातर मेंबर कैसे हैं, मैरीन। अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करी जाए बेटा तो ऑब्वियसली वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो देखो एक तो चीज क्लियर है कि उनकी बॉडी यूनिसेल्यूलर होगी, यूनिसेल्यूलर का मतलब द बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, और वो सेल एक्चुअल में कवर्ड होगा विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, क्लियर। अब इनके केस में जो सेल वॉल आपको मिलती है बेटा वो बनी होती है सेलुलोज की, तो इनके सेल को कवर करने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स मिलके एक लेयर बनाती है, दैट लेयर इज कॉमनली नोन एज थीका और लॉरिका। दो नाम है उस लेयर के, क्या नाम है, थीका एंड लॉरिका। और ये लेयर फर्दर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की।
तो एक्चुअल में जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर है बेटा, इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की, प्लेट्स की, तो इसीलिए उस कवरिंग को नाम दिया जाता है यहाँ पर थीका और लॉरिका। क्लियर? अब थीका या लॉरिका जो है बेटा वो सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी है, तो वो काफी ज्यादा हार्ड है, रिजिड है, क्योंकि आपको पता है सेलुलोज जो है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्लियर? जितना ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर उतना ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी सेल वॉल में जो हार्डनेस है या जो रिजिडिटी है उसकी वजह से इनका जो सरफेस होता है वो एक हार्ड लुक देता है, एंड दैट इज वाई डाइनोफ्लैजेलेट्स को एक और नाम दिया जाता है, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब आर्मर्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो वर्ड लगा है ना आर्मर्ड, आर्मर्ड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ हार्ड सर्फेस। अब वो हार्डनेस किसकी वजह से है? सेलुलोजिक प्लेट्स की वजह से। और उस कवरिंग को बेटा क्या नाम दिया जाता है? आइदर इट इज कॉल्ड थीका और इट इज कॉल्ड लॉरिका। सेल स्ट्रक्चर के बाद जो थर्ड कैरेक्टर आता है वो लोकोमोशन का है। तो लोकोमोशन तो बेटा पहले से ही आपको क्लियर है, मैंने पहले ही बोल दिया कि फ्लैजिलर है, और फ्लैजिला भी आपको पता है कितने हैं? दो। इसीलिए ग्रुप को क्या बोला जाता है? डाइनो फ्लैजिलेट्स। क्लियर? तो पहली बात, जो टाइप ऑफ लोकोमोशन होगी वो फ्लैजिलर है। कंडीशन कैसी है बेटा? बाई फ्लैजिलेट हैविंग टू फ्लैजिला। ठीक है? और अगर आप इन फ्लैजिला का अरेंजमेंट देखो तो हल्का सा जरा आप यहाँ पर आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर। ये बेसिकली बेटा एक डाइनोफ्लैजिलेट की पिक्चर आपको दिखाई गई है। अगर आप इसके सरफेस पे देखो तो छोटी छोटी प्लेट्स आपको नजर आ रही होंगी। क्लियर? और ये लिखा भी हुआ है, लेबल भी किया हुआ है, सेलुलोज की प्लेट्स है। तो देखो इनका सरफेस कितना हार्ड अपीयर होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब आप ध्यान से अगर इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ये सेकंड डायग्राम आप ध्यान से चेक करो बेटा, इनकी बॉडी में देखो ये दो तरह के ग्रूव्स आपको नजर आ रहे हैं। ग्रूव्स मतलब अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। एक तो जो ग्रूव है वो ये वाला है आपके पास, दिस इज द ग्रूव। ठीक है? और एक इस एक्सिस पे है। तो एक बॉडी के बेटा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पड़ रहा है और एक ग्रूव बॉडी के राइट एंगल पे पड़ रहा है। तो जो ग्रूव बॉडी के अलोंग द एक्सिस है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जो बॉडी के राइट एंगल पे है दैट इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब आपको दो तरह के ग्रूव मिलेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मिलेगा इनकी बॉडी में जो इनके बॉडी एक्सिस के अलोंग होगा, और एक बेटा ट्रांसवर्स ग्रूव मिलेगा जो इनके बॉडी के राइट एंगल पे होगा। ग्रूव्स में से दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, उन दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर नाम दिया जाता है फ्लैजेला। क्या बोला जाता है इनको? फ्लैजेला। ठीक है? तो एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम और एक हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम एंड ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। क्लियर? वन इज कमिंग फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अनदर इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स एक्सिस। इसीलिए इनको नाम दिया जाता है बाई फ्लैजिलेट और यू कैन से द डाइनोफ्लैजेलेट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पर क्या बताई जाती है कि डाइनोफ्लैजेलेट में जब लोकोमोशन होती है तो लोकोमोशन के टाइम पे जो दोनों फ्लैजेला है दैट इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों फ्लैजेला बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में बीट करते हैं। ठीक है? लाइक अगर एक आगे की तरफ बीट कर रहा है, पीछे की तरफ बीट कर रहा है, मतलब दोनों अगर बीट करेंगे तो सेम डायरेक्शन में नहीं करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में बीट करेंगे। उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी मूव तो करेगी लेकिन मूवमेंट आपको ऐसे घूमती हुई नजर आएगी, स्पिन करता हुआ दिखेगा ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से बोला जाता है कि डाइनोफ्लैजेलेट दे शो स्पिनिंग लोकोमोशन, और क्योंकि वो स्पिनिंग लोकोमोशन शो करते हैं तो हम उनको एक और कॉमन नेम देते हैं बेटा, दैट कॉमन नेम इज नोन एज वर्लिंग विप्स। क्या बोला जाता है इनको? वर्लिंग विप्स। तो यहाँ पर जो ये नाम है वर्लिंग वेव्स वो बेसिकली किसको दिया जाता है? डाइनोफ्लैजेलेट्स को। किसलिए दिया जाता है? ड्यू टू द स्पिनिंग लोकोमोशन। क्लियर? एक पॉइंट आपने और ध्यान में रखना है क्योंकि ये टर्म बेटा पूरे प्रोटिस्टा में ना बार बार यूज होने वाली है, अभी बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे। हेट्रोकॉन्ट लिखा है, फ्लैजेला और हेट्रोकॉन्ट। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। कॉन्ट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द फ्लैजेला। ठीक है? तो बेसिकली जो हेट्रोकॉन्ट वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो दो फ्लैजेला है बेटा वो दोनों सेम साइज के नहीं होते हैं,
डिफरेंट साइज के रहते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो सेम साइज के ना होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, हिट्रोकॉन्ड फ्लैजेला। और दोनों फ्लैजेला ऑपोजिट डायरेक्शन में बीट करेंगे तो उसे स्पिनिंग लोकोमोशन होगी, इसीलिए डायनोफ्लैजेलेट्स को एक और कॉमन नेम दिया जाता है, व्हर्लिंग व्हिप्स। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है बेटा, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन का ना टॉपिक जरा ध्यान से एक बारी सुन लो और समझ लो। ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर के कंटेंट को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ना तो पानी ज्यादा होने देना है, ना ही सॉल्ट ज्यादा होने देना है, और ना ही दोनों को नॉर्मल से बहुत कम होने देना है, मतलब उनको एक नॉर्मलाइज्ड अमाउंट में मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत आपको कब पड़ेगी, मतलब कब ऑर्गेनिज्म को फील होगा कि उसको ऑस्मो रेगुलेशन करना है। देखो, आपके पास दो तरह के एनवायरमेंट है। एक आपके पास जो एनवायरमेंट है बेटा, वो फ्रेश वाटर है जिसमें पॉन्ड, लेक, रिवर ये आ जाता है। ठीक है। दूसरा जो एनवायरमेंट आपके पास है वो मैरीन है, जिसमें सी या ओशियन आ जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा गया कि फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में मैरीन वाटर का पानी सॉल्टी होता है या नहीं, तो डेफिनेटली आप आंसर यस करोगे। क्लियर। तो आप सपोज करो बेटा कि आपके पास जो फ्रेश वाटर मीडियम है, ठीक है, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर एक्सेट्रा, फ्रेश वाटर मीडियम में जो पानी प्रेजेंट है उसमें सॉल्ट का कंटेंट कम होता है, अगर आप उसको एक मैरीन वाटर के साथ कंपेयर करो। मतलब उस पानी का नेचर आप कैसा बोलते हो बेटा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है डाइल्यूट नेचर, समझे। अब सपोज क्या हुआ कि उस फ्रेश वाटर मीडियम में हमने एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा रख दिया। ठीक है। जब मैंने वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा उस मीडियम में रखा तो मीडियम का नेचर मैंने कैसा बताया था, हाइपोटोनिक यानी कि डाइल्यूट। लेकिन जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा उस मीडियम में हमने डाला उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट हैवी अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में, सबकी बॉडी में सॉल्ट होता ही होता है, तो कंपैरेटिवली बॉडी के अंदर जो कंडीशन है बेटा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटॉनिक कंडीशन। ठीक है। अब आपने 9th-10th में ये चीज बहुत बेसिक पढ़ी होगी कि अगर आप किसी सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में रखते हो, ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोटोनिक मीडियम में जब आप किसी सेल को रखोगे तो सेल स्टार्ट गेनिंग द वॉटर, ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत बेसिक। तो सेल जब बेटा पानी गेन करना स्टार्ट करेगा तो सेल फूलेगा, स्वेल करेगा, पानी लगातार आता रहेगा तो अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो हो गया तो दैट मींस कि ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया, फिर तो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन मिल ही नहीं सकती और ना ही वो पानी या सॉल्ट के कंटेंट को रेगुलेट कर सकता है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सिर्फ फ्रेश वाटर, मैरीन की बात नहीं करी मैंने यहाँ पर, जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में मिलते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोला जाता है उसको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एक्चुअली हेल्पिंग व्हाट, ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी बॉडी के अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर का मीडियम हाइपोटोनिक है, अंदर का मीडियम हाइपरटोनिक है, तो जो भी पानी ऑर्गेनिज्म गेन करेगा वो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी से पंप आउट करेगा। दिस इज हाउ द ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो बॉडी में ही होगा ना, पानी में ही होगा, तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को वो रेगुलेट कर सकता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब आप एक चीज मेरी दोबारा ध्यान से सुनो, अगर सपोज कोई ऑर्गेनिज्म मैरीन वाटर में है, ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म आप केस ले लो कि आपने मैरीन वाटर में डाल दिया। अब आप ये देखो बेटा कि मैरीन वाटर में सॉल्ट कितना हैवी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, खारा पानी होता है ना, नमकीन पानी। क्लियर। तो ऑब्वियसली उसका नेचर हाइपरटॉनिक होगा, इट इज कंसेंट्रेटेड। उसके कंपैरेटिवली मैं जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी सेल उस वाटर में डालूंगी, उस सेल का बेटा हमेशा सेल सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम होता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर मीडियम कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक।
तो आपने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी सेल को हाइपरटॉनिक मीडियम में रखते हो जिसका कि सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो सेल जो है इट अंडरगो श्रिंकेज, क्योंकि सेल जो है वो पानी लूज करना शुरू कर देगा. पानी लूज करेगा तो अल्टीमेटली सेल की भी डेथ हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि पानी लूज हो रहा है तो हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की क्या जरूरत है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तो जरूरत हमें तब पड़ेगी ना जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, वो हमें बाहर निकालना है, उसके लिए वी रिक्वायर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. बट अगर आप मैरीन में हो तो मैरीन में तो यू स्टार्ट लूजिंग द वॉटर बिकॉज द आउटर मीडियम इज हाइपरटॉनिक, दैट मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इसीलिए जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म आपको फ्रेश वॉटर मीडियम में मिलते हैं, स्पेशली प्रोटिस्टा के केस में, दे हैव प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और जो मेंबर प्रोटिस्टा के आपको मैरीन एनवायरमेंट में मिलेंगे, दे डू नॉट हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है. So this is basically the function of contractile vacuole. ठीक है, अब यहाँ पर specially अगर मैं dinoflagellates की बात करूँ तो osmoregulation के लिए they have a very special type of vacuole and that is called non-contractile vacuole which is known as pecule. अब ये terms जरा बेटा ध्यान से याद कर लेना, इसके ऊपर question पूछा जा चुका है already, aims के exams में आया था. तो पेसियोल जो है वो एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, स्पेशली किस में है? सिर्फ डाइनोफ्लैजेलेट्स में. क्या काम करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, तो ये आपने बात करनी थी यहां पर. हाँ जी मयंक, बिल्कुल ठीक बोला था आपने आंसर बेटा. तो ये था बेटा ऑस्मो रेगुलेशन का. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बाकी कैरेक्टर देखें, ये पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेसिकली बेटा डाइनोफ्लैजेलेट्स की है, मतलब ऐसे दिखते हैं आपको मैरीन या फ्रेश वाटर में होते, और भी डिफरेंट कलर्स के हैं. और ये आपका सेल स्ट्रक्चर था जो मैं आपको बता रही थी कि इनकी बॉडी के ऊपर सेलुलोजिक प्लेट्स है बहुत सारी, और उसमें ग्रूव मिलेगा बॉडी में, डिप्रेशन, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, तो एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल एक फ्लैजेला ट्रांसवर्स फ्लैजेला. अच्छा बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास आता है दैट इज द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में अब आप ये बताओगे कि वो खाना क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हो कि वो फोटोसिंथेटिक है, तो नाम से क्लियर है. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा तो फोटोसिंथेटिक आएगा. क्यों? बिकॉज दे हैव प्रॉपर पिगमेंट. कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल सी, देन कैरोटीन, xanthophyll, these are the pigments which are used for making the food material in the presence of sunlight. और क्योंकि बेटा इनके पास इतने तरह के पिगमेंट हैं, तो इस वजह से इनके डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं. सम आर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर, डिपेंड करता है कि उनके पास कौन सा पिगमेंट है. इसलिए मैंने बोला था कि दे आर वेरी कलरफुल. क्लियर, उसके बाद आता है बेटा स्टोर्ड फूड मटीरियल. देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर सरवाइव करना है तो स्टोर्ड फूड मटेरियल होना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता. क्लियर, तो डाइनोफ्लैजेलेट्स के केस में अगर कोई फॉर्म फ्रेश वाटर है तो उसके केस में स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन सा प्रेजेंट होगा? स्टार्च. लेकिन अगर कोई फॉर्म मैरीन एनवायरमेंट में हमें मिलती है तो उनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल कैसा होगा? ऑयल. तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि डाइनोफ्लैजेलेट्स में ज्यादातर मेंबर मैरीन होते हैं, तो ज्यादातर मेंबर में कौन सा स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा? ऑयल यानी कि फैट. और जो मेंबर बचे हुए फ्रेश वाटर में मिलेंगे दे कंटेन स्टार्च. स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर इनमें आता है आई स्पॉट. अब देखो आई स्पॉट में आई आ गया ना, तो आई से तो बहुत हद तक क्लियर है. आप लोगों की बॉडी में लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन कौन सा है? आपकी आईज लाइट के लिए सेंसिटिव है ना, इमेज फॉर्मेशन करती है. अब सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें प्रोटिस्टा में भी मिलेगा डाइनोफ्लैजेलेट के केस में. इट इज जस्ट लाइक द आई. अब मैं बोल रही हूँ कि जस्ट लाइक द आई, तो ऐसा नहीं कि दिखने में आई की तरह है, मतलब वो काम करते है आई के जैसा. काम क्या है? इट इज सेंसिटिव टू द लाइट. इमेज नहीं बनाएगा बट लाइट के स्टिमुलस को कैप्चर करेगा ताकि ऑर्गेनिज्म ये डिटेक्ट कर सके कि लाइट कहाँ है और कहाँ नहीं है. तो लाइट के लिए जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर आपको इनमें मिलता है उसको क्या बोला जाता है? आई स्पॉट. नेक्स्ट इसमें बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस की. यूनि न्यूक्लिएट, सिंगल एक ही न्यूक्लियस है.
लार्ज है एट द सेंटर ऑफ द सेल. तो ऐसे न्यूक्लियस को यहाँ पर क्या टर्म दी जाती है, इट इज कॉल्ड मीजोकैरियोन. नाउ इट इज लिटिल इंपॉर्टेंट, ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है कि मीजोकैरियोन किसमें मिलता है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट, क्योंकि उनका न्यूक्लियस है बड़ा एंड इट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल. लास्ट कैरेक्टर इसमें आता है बेटा रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस. तो देखो डायनोफ्लैजेलेट में दोनों रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअली होगा तो बाय फिशन, मतलब बाइनरी फिशन. बाइनरी का मतलब पैरेंट बॉडी टूटेगी दो डॉटर्स, या स्पोर या फिर सिस्ट बनेंगे अगर अनफेवरेबल कंडीशन है. और अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा तो वो तो आपको पता ही है, इट इज बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर थे पहले फाइला के, जिसका नाम था पायरोफाइटा, या फिर उनको बोला जाता है डाइनोफ्लैजेलेट, जो मेंबर है किसके, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन. तो मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा में आपने प्रोटिस्टा को तीन मेजर ग्रुप में डिवाइड करना है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा. क्लियर? फोटोसिंथेटिक की बात करोगे, नाम से क्लियर है, उसमें सिर्फ वही प्रोटिस्टा आएंगे जो खाना खुद बनाएंगे. खाना खुद क्यों बनाएंगे, बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट. तो इतनी चीज तो क्लियर है. इसमें तीन तरह के आपने फाइला पढ़ने हैं. कौन कौन से फाइला है, पायरोफाइटा जिसमें डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, क्राइसोफाइटा जिसमें डायएटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, एंड युग्लिनोफाइटा जिसका मेंबर है युग्लिना. तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को एल्गल प्रोटिस्टा बोला जाता है, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर को फंगल प्रोटिस्टा बोला जाता है, एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा को एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा बोला जाता है. तो अभी हमने स्टार्ट करा था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, और उसका पहला फाइला हमने पढ़ा जिसका नाम है डाइनोफ्लैजेलेट्स. बेटा फाइटा जो है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा था, जो फाइटा वर्ड है इट इज बेसिकली अ सफिक्स जो यूज किया जाता है फॉर फाइलम और फॉर डिवीजन. डिवीजन या फाइलम्स के कभी नाम लिखे जाते हैं, तो फाइटा जो है वो बेसिकली एक सफिक्स है जो लगाया जाता है पर्टिकुलर. अगर आप इन तीनों के नाम देखो यहाँ पर, तो इट इज वेरी क्लियर. देखो यहाँ पे पायरोफाइटा, देन क्राइसोफाइटा, युग्लिनोफाइटा. फाइटा इज अ सफिक्स विच इंडिकेट कि हम फाइला या डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ही होगा.